Oh shit. Oh shit. No way. आप जैसे देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और हालांकि गार्डन बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन एक नुकसान हो गया है जो हमारा क्यारी वाला ग्रो बैग है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट वो कहीं ना कहीं से टूट गया है एंड उसमें मेरी सारी मेहनत लगी हुई है। सो आई विल हैव टू डू समथिंग रियली क्विकली। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। इसमें ये ऐसे यहाँ से सिलाई लगी थी, ये सिलाई इसकी निकल गई है यहाँ से यहाँ, और इधर से भी ये निकल गया है। एंड दैट्स बिकॉज इसमें पानी भर रहा था। इवन दो मैंने इसमें ड्रेनेज होल्स अच्छे से बना रखे हैं, फिर भी ये हो गया है। सारे मेरे शिमला मिर्च, भिंडी और बैंगन के पौधे वहीं लगे हैं और आई एम क्लूलेस एक्चुअली। सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। चलिए देखते हैं, फटाफट से कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। व्हाट आई विल ट्राई एंड डू इज फटाफट से कुछ करते हैं। ये कैंची और इससे मैं तार से इसको बांधने की कोशिश करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये टिकेगा या नहीं, बट कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मिट्टी जो है साइड से कटती जा रही है और थोड़ी देर में ये साइड से सारी मिट्टी कट जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं अपनी मेहनत वेस्ट नहीं कर सकता। ये तो नहीं चली भाई साहब, दिस डिडंट वर्क आउट रियली वेल, क्योंकि हाथ से स्लिप कर रही थी एंड इट्स अ लिटिल हार्ड टू रोटेट। फिर मुझे बेसिकली इसका जुगाड़ करना पड़ा, ये ग्रीन नेट को टाई करने के लिए ये रोप सी मिली थी, तो अभी फ़िलहाल मैंने उससे थोड़ा सा जुगाड़ किया है, तो एटलीस्ट ग्रो बैग ने शेप तो थोड़ी वापस पकड़ ली है। ये देखिए, ये मैंने इस पर धागे तो बांध दिए हैं, बट आई एम नॉट टू शो हाउ रिलायबल इज़ दिस। प्लस क्योंकि ये थोड़ा सा जुगाड़ है तो यहाँ पर ये खाली जगह रह गई है और यहाँ से पानी भर रहा है तो मिट्टी भी जगह छोड़ सकती है, तो इसका भी मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इससे पहले कि भाई साहब बैंड बज जाए और सारा नुकसान हो जाए। फिलहाल के लिए तो हाँ, बीन काइंड ऑफ सक्सेसफुल। और ये जो खाली पार्ट दिख रहा है इसमें से क्या करते हैं, थोड़ी सी मेरे पास मिट्टी पड़ी है, मिट्टी से इसकी भराई कर दें, है ना, ताकि ये पार्ट भी जो है हमारा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आगे। हाँ, हाँ जी, तो फिलहाल के लिए तो हमने इसका जुगाड़ कर लिया है। जैसे मैंने आपको दिखाया, बारिश अभी भी हो रही है, बहुत काफ़ी बारिश है। गार्डन आज बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही हरा भरा। प्लांट्स आर रियली रियली हैप्पी, बहुत खुश हैं मेरे पौधे आज। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा, सो उस वे में तो बहुत अच्छा है, बट ये जो थोड़ा बहुत हमें आज इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना पड़ा, कोई बात नहीं। जैसा मैंने बोला, दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गार्डनिंग। देखिए, गार्डनिंग जो है ना बड़ी ही नायाब सी चीज़ है, आपको सुकून भी देती है लेकिन आपको चैन भी नहीं लेने देती। तो क्योंकि जो भगवान का प्रकोप है उससे तो कोई नहीं बच पाया, तो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, चाहे बहुत ज़्यादा बारिश हो, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, आपके पौधों को बहुत ही ज़्यादा केयर और प्यार की ज़रूरत होती है। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं, और अगर नहीं करते तो आप इसको नहीं समझ सकते। लेकिन एसेंस ये है कि अगर आपको गार्डनिंग करनी है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको मेहनत करते रहने पड़ेगी, आपको एक्सपेरिमेंट्स करते रहने पड़ेंगे, और आपको सक्सेस तो मिलता रहेगा लेकिन टाइम बाय टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशंस भी आती रहेंगी, लेकिन उससे हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो फल है इसका और लिटरली जो फल है वो बहुत मीठा होता है। आज की वीडियो थोड़ी सी हो सकता है क्वालिटी में फ़र्क हो, बिकॉज़ ये एक मैंने आपको इमरजेंसी में एक वीडियो दिखाई है, सो काइंडली बेयर विद इट।
कीप वॉचिंग बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। मैं जाता हूँ, आज बारिश कल रात से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पहले तो जो मानसून के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाली होती हैं पौधों का ध्यान रखने के लिए वो करूँ। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड में आपके इस कॉर्नर में आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त बारिश के बाद पौधों का ध्यान कैसे रखना है, अपने टेरेस गार्डन को नुकसान होने से कैसे बचाना है। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी बैक ऑन बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। सी यू, हैव अ गुड डे।